नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ऐसे पावरफुल कैप्सूल के बारे में जानेंगे कि जिसका प्रयोग करके आप अपनी ताकत, स्टेमिना से गिरपतन, नपुंसकता, इन सभी को आप सिर्फ एक कैप्सूल का प्रयोग करके आप सही कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से उस कैप्सूल के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे, कैसे इस कैप्सूल का प्रयोग करना है, कितना प्रयोग करना है, क्या इस कैप्सूल का कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है, और यह किस कंपनी द्वारा बना है, इसका प्राइस क्या है, तो पूरी डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले, अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते हैं ताकि आप किसी और भी अच्छी वीडियो लाते रहें। दोस्तों बात करते हैं मैंसोर कैप्सूल के बारे में। दोस्तों यह मैंसोर कैप्सूल जो है हर्बल हेल्थ सॉल्यूशन द्वारा बनाया गया जो था। कैप्सूल का एक स्टिक आता है जो लगभग 390 रुपए का किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर पर आप मैंसोर नाम बता करके इसे आप ले सकते हैं और अपने शरीर में होने वाली ताकत, स्टेमिना, शीघ्र पतन, नपुंसकता, इन सभी समस्याओं को आप जड़ से सही कर सकते हैं। दोस्तों इस कैप्सूल में बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिलाकर के कैप्सूल तैयार किया गया है जो पूरी तरह एक आयुर्वेदिक कैप्सूल है, जिसमें आपको गोंधक मिल जाएगा, गोंध किकर मिल जाएगा, सतावर मिल जाएगा, अश्वगंधा, आंवला, विदारा, गोखरू, लौंग, बड़ी इलायची, जायफल, अकरकारा, सफेद मुसली, गौच बीज, इमली बीज, दालचीनी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, इसके साथ साथ इसमें वंगवंश, अब्रमवंश भी इस कैप्सूल में देखने को मिलेंगे, जो आपके शरीर में ताकत बढ़ाने के साथ साथ यह आपकी स्टेमिना को भी बढ़ाने का काम करता है। आपको अगर शीघ्र पतन की समस्या हो रही तो उसे भी दूर करने का काम करता है, या आपको नपुंसकता की समस्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो उसे भी सही करने का यह कैप्सूल काम करता है। चलिए जानते हैं इस कैप्सूल का प्रयोग हम कौन कौन सी समस्या में कर सकते हैं। दोस्तों इस मैंसोर कैप्सूल का प्रयोग अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा ताकत की कमी हो गई है, या आपके आंखों के नीचे यहाँ डार्कनेस हो गया है, या चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगी हैं, सफेद बाल हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा टूट झड़ रहे हैं, तो उसमें इस कैप्सूल का प्रयोग आप कर सकते हैं। साथ ही साथ यह आपके स्टेमिना को भी बढ़ाने का काम करता है। अगर आपकी सेक्स टाइमिंग बेहद कम है तो उसे यह बढ़ाने का काम करता है, या आपका वीर जल्दी निकल जाता है तो आपके वीर को देर तक रोकने का यह कैप्सूल काम करता है। साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज्यादा आलस महसूस हो रहा है, कमजोरी महसूस हो रहा है, शरीर में बहुत ज्यादा चक्कर महसूस होता है, या नींद नहीं आता है, या उलझने महसूस होती है, तो उतने समय भी इस कैप्सूल का प्रयोग आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको नपुंसकता जैसी समस्या है तो उसे भी यह कैप्सूल जो है दूर करने का काम करता है। अगर आपके पेनिस में कड़कपन नहीं रहता तो यह आपके पेनिस में ब्लड फ्लो को तेजी से बढ़ा करके आपके पेनिस में कड़कपन लाता है, जो आपके लंबे समय तक यह टाइमिंग बढ़ाने का और आपके पेनिस में कड़कपन रखने का यह कैप्सूल काम करता है। चलिए जानते हैं क्या इस कैप्सूल का कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं। दोस्तों ऐसे तो इस मैंसोर कैप्सूल का नॉर्मली कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर इस कैप्सूल को लेने के बाद आपके शरीर में कोई भी बदलाव, चेंजिंग नजर आ रहा है तो उतने समय इस कैप्सूल को आप बंद कर दें। जैसे अगर आपको चक्कर महसूस हो रहा है, मथनी महसूस हो रहा है, पलटी महसूस हो रहा है, या शरीर में दाने, खुजली, या बहुत ज्यादा नींद लग रहा है, या आपके मल का रंग जो है उसमें बदलाव हो रहा है, तो उतने समय इस कैप्सूल को आप बंद करके नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, सलाह ले लें। चलिए जानते हैं कैप्सूल का प्रयोग किसे नहीं करना है। दोस्तों जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं वह लोग इस कैप्सूल का प्रयोग ना करें, अगर करें तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वह लोग इस कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। जिन लोगों को लीवर या किडनी की कोई समस्या हो रही है तो वह लोग भी इस कैप्सूल का प्रयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें, या जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या है, हार्ट की समस्या है, या डायबिटीज के मरीज हैं, तो उतने समय डॉक्टर से सलाह लें तभी इस कैप्सूल का प्रयोग करें। चलिए जानते हैं इस कैप्सूल का प्रयोग हमें करना कैसे। दोस्तों इस कैप्सूल को आप एक कैप्सूल, आप सुबह एक कैप्सूल, शाम आप खाना खाने के बाद गुनगुने पानी या दूध के साथ इसे आप ले सकते हैं। ध्यान रहे कि यह कैप्सूल जो है यह एडल्ट के लिए बनाया गया है, बच्चे इस कैप्सूल का प्रयोग ना करें। दोस्तों ध्यान रहे मेरे द्वारा बताए गए किसी भी दवा का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। एक जानकारी के पर्पज से बताया जाता है कौन सी दवा किस बीमारी में प्रयोग की जाती है, कैसे प्रयोग की जाती है, तो इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताया जाता है। अगर कोई भी दवा आपको लेना है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि डॉक्टर जो भी दवा देते हैं आपका एज, वेट और कंडीशन देख करके खाने की सलाह देते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपके पीछे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आते रहें। देर ना करते वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद।